No. नमस्ते जी, आइए। हेलो बैठिए। नमस्ते। अरे बल्लू जी, आप यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए आज? अरे सर, रास्ता कोई केमिस्ट्री का फॉर्मूला है जो भूल जाएंगे? अगर भूल जाते तो यहाँ तक कैसे आते? आप भी पूरी लंपट ऐसी बात करते हो। कौन है ये? अरे सर, ये कुछ का दोस्त है लोरा, इसका एडमिशन कराना था ना, मैंने आपको बताया था। क्या नाम है तुम्हारा? अभी बताया तो अंकल जी ने। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। लोरा दास। अरे बल्लू जी, ये कैसा नाम है इसका, लोरा दास? अरे सर, ये लोहड़ी पर हुआ था ना, तो इसके पापा ने लोहड़ी की खुशी में इसका नाम लोरा रख दिया। ये मुंह में क्या है तुम्हारे? सुपारी। तुम मेरे सामने मेरी गिलास में सुपारी खा रहे हो? इसको बाहर थूक के आओ जल्दी से। ओह नो। ये आजकल के बच्चे बिल्लू साहब, इनको टीचरों की रेस्पेक्ट तो करना बिल्कुल आता ही नहीं है। अरे नहीं सर, ये बहुत सीधा लड़का है, जलेबी की तरह। हाँ, आप इसका एडमिशन कर दीजिए, ये आपके स्कूल का नाम रोशन कर देगा। अरे स्कूल का तो पता नहीं, लेकिन ये स्कूल की टॉयलेट को पीक मार मार के गंदा जरूर कर देगा। अरे बिल्लू साहब, इतना ही सीधा है तो स्कूल से क्यों निकाल दिया इसको? वो तो पता नहीं सर, लेकिन इसके स्कूल वालों की कोई कमी रही होगी, इसलिए इसको निकाल दिया। एक मिनट। हाँ हेलो। हाँ तो बताओ, किस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हो? बायोलॉजी सर, और उसका लास्ट वाला चैप्टर ह्यूमन बॉडी। दिल खुश हो जाता उसे पढ़ के। बिहेव योरसेल्फ लोरा दास, तमीज से बात करो। ओ हेलो सर, तमीज की ना बत्ती बनाओ। और अच्छा तो ये बताओ, बॉडी में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 207। अरे 207 नहीं, 206 होती हैं। एक हड्डी कहाँ से एक्स्ट्रा आ गई? सुबह 207 हो जाती हैं सर, वो भी किसी हड्डी से कम नहीं है। तो चलो 16 का पारा सुनाओ। लोरा कम लोरा, लोरा दूनी 32। अरे ये क्या लोरा लोरा लगा रखा है? मैंने 16 का टेबल बोला था सुनाने को लोरा दास। सर मैं 16 को लोरा ही बोलता हूँ। ये क्या, तुम फिर से सुपारी खाने लग गए? ये स्कूल है लोरा दास, तुम्हारे दोस्तों का ये ऐसी गड्ढा नहीं, यहाँ मेरे हिसाब से चलना होगा, समझे? आपकी अभी शादी हुई है ना? हाँ क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? बजरंगी भाईजान की तरह पाकिस्तान के बॉर्डर पर छोड़ाऊंगा उसे, पता भी नहीं चलेगा रातों रात कहाँ गई तुम्हारी बीबी। बच के रहना सर, बहुत हरामी हूँ मैं। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? सेंट एंड्रयूज में पढ़ाने जाती है, सुबह 7 बजे से यहाँ मलवाई की दुकान से बस पकड़ती है और 1 बजे घर आ जाती है। हाँ जी सर। अरे वो घर से फोन था, वो आज है ना लौकी का हलवा बनाया ना, तो जल्दी आने को बोल रही थी थोड़ा सा। अरे तू फिर से सुपारी खाने लग गया, सर ने अभी मना किया था ना? सर ने ही कहा कि सेहत के लिए अच्छी होती है। क्यों सर? हाँ जी, विटामिन डी भी होता है इसमें। हाँ अच्छा सर, ला थोड़ी सी मुझे भी दे। इसका जीके का टेस्ट ले लेते हैं। कोई भी 5 जंगली जानवरों के नाम बता दो बेटा। चीता, चीते की बीवी, चीते का बच्चा, चीते का दोस्त। अरे बेटा ये तू क्या बोले जा रहा है? अरे सही तो बोल रहा है, चीते का मौसा, चीते की मौसी, चीते का फूफा, चीते की फूफी, सारे जंगली जानवर ही तो हैं। कितना होशियार लड़का है, आज तक मैंने इतना होशियार लड़का नहीं देखा। हाँ अच्छा बेटा, 7 अजूबों के नाम बता दो। द ग्रेट चाइना वॉल, स्टैचू ऑफ रिडीमर, माचू पिचू, किचन गट्सा, रोमन कोलिजियम, ताज महल एंड द ग्रेट पिरामिड।
द ग्रेट पिरामिड अब अजूबा नहीं रहा, सातवां अजूबा पेट्रा है जॉर्डन में। 7 बजे है स्कूल, तुम मत करना भूल। oh, no. हाँ वही वही वही, 7वां अजूबा पिरामिड ही है, मैं भूल गया था, गलती हो गई मुझसे। ठीक है सर। हेलो। हाँ यार, तू मेरी बीवी के पीछे क्यों पड़ गई यार, क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? अरे बिगाड़ा, बहुत कुछ बिगाड़ा है। बच्चों पर इतना अत्याचार करते हो तुम लोग, जब देखो उनकी पेरेंट्स से शिकायत करते रहते हो, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है? जब देखो लौड़ू जैसी शक्ल लेकर इधर उधर घूमते रहते हो, 2 साल बाद कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, फुल मस्ती मिलेगी सट्टा मार के। लेकिन माँ बाप को तो बताना जरूरी होता है ना, बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है। वैसे तुम्हें स्कूल से क्यों निकाला था? एक टीचर था स्कूल में लंपड़दास, मेरी क्लास में लेट आने पर उसने मुर्गा बना दिया मुझे। दूसरे दिन मैंने उसकी पेंट में 10,000 की लड़ी लगा दी, बंदरों की तरह पूरे स्कूल में नाचता रहा। यार मुझे PhD करनी है यार, कुछ अच्छा सा पूछो। क्या 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 शकल देगी अपनी, PhD करोगे? 7 बजे है स्कूल, तुम मत करना भूल। अरे हो जाएगी बेटा, तू तो बहुत होशियार है ना, आराम से कर लेगा, चिंता मत कर। हाँ हाँ, अरे सर थोड़ा अर्जेंट कॉल था। अच्छा ये बताओ, परिंदों की जानकारी है तुम्हें? हाँ बहुत अच्छी तरह जानकारी है मुझे। अरे बल्लू जी बहुत सॉलिड माइंड है इसका, अभी आंसर बताता है देखो। अच्छा तो ये बताओ, ऐसा कौन सा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता? अरे सर सिंपल, मरा हुआ परिंदा कभी उड़ नहीं सकता। वाह कितना होशियार बेटा तुझा, वाह। मैं ये सुनने से पहले मर क्यों नहीं गया? अरे सर ये क्या करे, रुकी 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 रुकी।